पे ही। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आई वी सिंपल फैमिली इन एब्रॉड। होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों बाद आ रही हूँ। बहुत दिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया ऐसा नहीं है, मैंने एक ब्लॉग बनाया है, वो मैं पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा स्पेशल ब्लॉग है और उसको मैं पोस्ट करूँगी कुछ दिनों बाद। उसमें एक्चुअली मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा सा काम है, वो थोड़ा सा बोलेंगे, उनका कुछ अचीवमेंट है, उनके अचीवमेंट के बारे में वो बोलेंगे, लेकिन उनको साहस नहीं हो रहा है बोलने का तो वो मेरा आने में डिले हो रहा है, लेकिन जब भी वो बोल लेंगे मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगी वो वीडियो। ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो होगा मेरा वो। और फ्रेंड्स, आपने देखा ही है, मैंने मेरा टाइटल में मैंने लिखा है मेरा पेरेंट्स का स्पेशल डे है आज। जी हाँ, मेरा पेरेंट्स का स्पेशल डे है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। थैंक यू। और मैं अपने बर्थडे को बहुत स्पेशल मानती हूँ और मैं मनाती भी हूँ, कोई मनाए ना मनाए, मैं तो बहुत मनाती हूँ मेरा बर्थडे, क्योंकि मेरे बर्थडे के साथ मेरे पेरेंट्स का हैप्पीनेस जुड़ा हुआ है। तो मैं जितना खुश रहूँगी मेरे पेरेंट्स उतने खुश रहेंगे और इसीलिए मुझे मनाना ही है। और पता नहीं हम अपने पेरेंट्स के उम्मीदों पे खड़े उतर पाते हैं कि नहीं। हाँ, पेरेंट्स हम अगर कामयाबी की ऊंचाई चढ़ते हैं, हम अगर एक बहुत कामयाब इंसान बनते हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट्स खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, लेकिन पेरेंट्स तब ज़्यादा खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ खुश रहने की। दुख की घड़ी तो आती है ज़िंदगी है, सुख दुख चलता रहता है, तो दुख की घड़ी आती है ज़िंदगी में, लेकिन जब भी ऐसा कुछ मुश्किल हालत आता है तो मैं भगवान का नाम लेती हूँ और आँख बंद करके मैं अपने पेरेंट्स का चेहरा याद करती हूँ, तो मुझे सारे हौसले मिल जाते हैं कि नहीं, मैं दुखी रहूँगी तो मेरे पेरेंट्स दुखी होंगे, इसलिए मुझे खुश रहना है, और बस हौसला मिल जाता है। फ्रेंड्स, वो उठते ही मैंने देखा मेरे भाभी का मैसेज है, मेरा बर्थडे विश करके भाभी ने मुझे मैसेज किया है, ये देखिए। ओ मुन्ना, हैप्पी बर्थडे। और ये मेरे छोटा भाई, मेरा ब्रदर रिंकू ने भेजा है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मेरे भाभी को भी थैंक्स और रिंकू को भी थैंक यू, और मेरे माँ ने भी भेजा है, और मेरे भतीजा का तो आपने देख ही लिया है वीडियो, उसने बांसुरी से मुझे कितना अच्छा हैप्पी बर्थडे विश किया है। और फ्रेंड्स, ये नहीं मालूम है इवनिंग में कोई प्लान बनेगा कि नहीं, वैसे बनेगा, हमेशा बनता ही है बर्थडे में। हस्बैंड ऑफिस से आ जाते हैं थोड़ा जल्दी आते हैं, सरप्राइज दे देते हैं मुझे, तो बात का बाद में देखेंगे, लेकिन अभी बच्चों के लिए मुझे कुछ तो बनाना ही होगा स्पेशल। बच्चों के लिए मम्मा का बर्थडे है तो बच्चों के लिए मैं स्पेशल कुछ बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने मिल्क बॉईल होने रख दिया है। मिल्क बॉईल होने पर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर पानी में घोल के मिल्क के साथ मिक्स कर देंगे और अच्छे से हिलाते जाएंगे। साथ ही में मैं ऐड करूँगी चीज़ आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, लिक्विड हो या रेटेड हो। अच्छे से स्टिर करते जाएंगे ताकि लंप ना पड़े। बिस्किट ले लेंगे, बिस्किट कोई भी ले सकते हैं, स्वीट बिस्किट होना चाहिए, कोई भी बिस्किट हम ले सकते हैं। बिस्किट का लेयर बना देंगे और उसमें मेरा बना हुआ चीज़ बैटर डाल देंगे। अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। और सेट होने के लिए फ्रिज में मैं रख दूंगी। और ये देखिए, बच्चों ने निकाल भी लिया, पापा को दे भी दिया वन पीस और वीडियो लेना हुआ ही नहीं, मस्त बना। तो फ्रेंड्स,
बर्थडे का छोटा सा पार्टी है, हस्बैंड कहीं ले जाएंगे हम लोगों को, कहाँ ले जाएंगे नहीं मालूम। बच्चों लोग देखिए फाइट फाइट चल रहे बच्चों का। बाबी डोंट बीट मी। तो मालूम नहीं है कहाँ ले जाएंगे हस्बैंड, जहाँ ले जाएंगे हम लोग जाएंगे। फिर आपको उधर ही मिलते हैं और बोलती हूँ मैं कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। So damn lies to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to stay the night again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts. Hey friends, hum log ek restaurant mein aaye hain abhi. रेस्टोरेंट में आए हैं अभी। और इस रेस्टोरेंट का नाम है, रेस्टोरेंट का नाम क्या है? फ्लेवर, माय फ्लेवर। ओ अच्छा, फ्लेम्स ऑफ फ्लेवर्स। गुड। चेहरा भी दिखाओ जरा अपना। यहाँ पे बच्चों का फेवरेट चिकन लॉलीपॉप लिया है, यास्मिन का वेज में कुछ तो है, आलू का कुछ, मेरे लिए चिकन हांडी, और ये है गार्लिक नान, जीरा राइस ले लिया है। और ले लिया है नूडल्स, बच्चों का नूडल्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग घर में आ गए हैं, और सॉरी मैं केक काटने का वीडियो नहीं दे पाई, मैं ज़रा ले नहीं पाई होटल में, बच्चे भी शोर मचा रहे थे और लोग भी उधर बहुत सारे थे, तो मुझे बहुत अकवर्ड फील हो रहा था वीडियो वगैरह लेने के लिए, मैं नहीं ले पाई। और हम लोग आ गए हैं घर में, हस्बैंड का कल ऑफिस भी है इसलिए, और कहीं जाना नहीं हुआ उसके बाद हम लोग आ गए। लेकिन उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन हाँ मेरे लिए बड़ा ही है, मुझे एक मोबाइल दिया है। बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है, अच्छा है, उसका कैमरा बहुत अच्छा है बोला है, तो मुझे कैमरा ही चाहिए था एक्चुअली, अच्छा वाला कैमरा हो, ऐसा मोबाइल ही मुझे चाहिए था, तो थैंक यू उनको। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का वीडियो अब यही ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने पेरेंट्स को खुश रखिए, अपने फैमिली को खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए, हंसते रहिए, और आज के लिए बाय बाय। से बाय बाय। बाय बाय मामा, गुड नाइट।